हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ एम जी अडाव, पीजीटी फिजिक्स, जेएनवी, शंकर नगर, नांदेड़। नाउ इन टुडेज लेसन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द वेरी फर्स्ट लेसन ऑफ ए क्लास 10 फॉर सब्जेक्ट फिजिक्स, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इन दिस टॉपिक, इन दिस लेसन, व्हाट आर द सब टॉपिक, व्हाट इज द सब टॉपिक वी हैव टू डिस्कस। The subtopic is electric current and electric charge. So these two points we have to discuss to start the very first lesson, that is the electricity, electric charge and the electric current. Okay. Now, what are the points to be discussed? We are discussing the first point, that is the electric charge, and after that here we will be discussing electric current. First we will discuss about the electric charge. Now as we know, there are two types of charges. हमने lower class में हमेशा पढ़ा है कि there are two types of charges. कौन से हैं? हम कहते हैं कि positive charge और दूसरा होता है negative charge. There are two types of charges: positive charge, negative charge. Positive charge and negative charge डिनोट करने के लिए प्लस क्यू और प्लस कैपिटल या स्मॉल क्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज इज रिप्रेजेंटेड प्लस क्यू एंड द नेगेटिव चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर माइनस क्यू। नाउ एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यदि हमको देखना है तो पहले हमको देखना है कि कंसेप्ट ऑफ चार्ज, हाउ दिस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम। एक्चुअली द ओरिजिन ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी मीन्स द चार्ज लाइज in the concept of frictional electricity, in the concept of frictional electricity. Now yadi aapko malum hoga, in the concept of frictional electricity aapne experiment dekha hoga, aapne padha hoga lower class mein ki if I take a glass rod and if that glass rod is rubbed with silk cloth, or if I take a ebonite rod and that ebonite rod is rubbed with wool or fur, and when the rubbed end of glass rod or ebonite rod brought near to the paper pieces, it is observed that the paper pieces get attracted towards the rod. ठीक है, यदि हम before rubbing यदि rod paper pieces के पास लाते हैं तो there is nothing is nothing is happening there, no attraction, nothing is there. लेकिन जैसे ही हम रब करते हैं, और वेन वी ब्रॉट दैट रब्ड एंड ऑफ ए रॉड टूवर्स द पेपर पीसेस, पेपर पीसेस गेट अट्रैक्टेड टूवर्स द रॉड, इट मीन्स दैट आफ्टर रबिंग प्रोसेस समथिंग इज एक्वायर्ड ऑन द चार्ज। क्योंकि ये घटना रब करने के पहले कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे हम रॉड को रब करते हैं और रब करने के बाद पेपर पीसेस के पास लाते हैं तो पेपर पीसेस गेट अट्रैक्टेड। इसका मतलब यह है कि ड्यू टू दिस प्रोसेस ऑफ रबिंग समथिंग इज एक्वायर्ड, वो जो समथिंग है ना, दैट समथिंग इज नथिंग बट दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। बराबर है कि नहीं? कन्वेंशनली बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए गए, बराबर है कि नहीं? तो सर बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने इस चार्ज का नेमिंग किया। मतलब ये हम कहते हैं ना, देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इसको जो नाम दिया है दैट इज सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ ए एक्टिविटीज की गई, जैसे कि एक एक्टिविटी की गई जहाँ पे टू ग्लास रॉड वेयर टेकन, दे रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ, एंड व्हेन द रब्ड एंड ऑफ द टू ग्लास रॉड ट्राइड टू ब्रॉट नियर टू ईच अदर, इट इज ऑब्जर्व दैट दे रिपेयर। नाउ इन नेक्स्ट केस, टू एबोनाइट रॉड्स आर टेकन, दे रब्ड विद द वूल और फर, एंड व्हेन द रब्ड एंड ट्राइड टू ब्रॉट नियर टू ईच अदर अगेन, इट इज ऑब्जर्व दैट देयर इज रिपल्शन। In another activity, one glass rod is taken, another ebonite rod is taken, and when the rubbed end of these two rods are brought near to each other, it is observed that there is attraction. In another case, when a glass rod is touched with the ebonite rod, it is observed that ये चार्ज क्या होते हैं, एक में को कैंसिल करते हैं, बराबर कि नहीं? इसका मतलब जैसे हम ये ग्लास रॉड एबोनाइट रॉड को टच करेंगे, बराबर है कि नहीं, तो वो कैंसल करते हैं। इसका मतलब जो कुछ भी ग्लास रॉड पर है उसके जस्ट अपोजिट नेचर में सिल्क पर है। मतलब एक को यदि हम पॉजिटिव कहते हैं तो दूसरे को नेगेटिव कहना है। जैसा कि हम कहेंगे कि हमारे पास प्लस फाइव है, दूसरा माइनस फाइव है, और दोनों का यदि हम जोड़ करते हैं तो कितना हो जाता है,
प्लस फाइव माइनस फाइव जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है मतलब वो एकमेक को कैंसिल करते हैं, इफेक्ट बिल्कुल जीरो हो जाता है। उसी प्रकार यदि ग्लास रॉड, रब्ड एंड ऑफ द ग्लास रॉड एंड द रब्ड एंड ऑफ द एबोनाइट रॉड ब्रॉट नियर टू ईच अदर, दे दिस चार्जेस कैंसल ईच अदर, है कि नहीं, उस पर से वो जो चार्ज है पूरा नलीफाई हो जाता है, निकल जाता है। इसका मतलब जो कुछ भी एक एक रॉड पर है उसके जस्ट अपोजिट नेचर में, दूसरे रॉड पर उसके जो जो है उसका नेचर जस्ट उससे अपोजिट है, और इसलिए सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसको नाम दिया उसको एक, तो जो ग्लास रॉड पर होता है कन्वेंशनली इट इज रेफर्ड एज नाउ पॉजिटिव चार्ज, और जो ग्लास एबोनाइट रॉड पर होता है कन्वेंशनली इट इज रेफर्ड एज नाउ नेगेटिव चार्ज, एंड हेंस नाउ वी कैन से दैट देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ दिस चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी, एक्चुअली चार्ज इज ए स्केलर। नाउ व्हेन देयर इज द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी रिक्वायर यूनिट फॉर इट्स मेजरमेंट एंड द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलोम। ठीक है, नाउ दिस इज द कूलोम, दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु गेव द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज। देयर इज वन लॉ, द वेरी बेसिक लॉ दैट इज कॉल्ड द कूलोम्स लॉ, एंड टू ऑनर हिम आफ्टर हिज नेम द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलोम। इन टर्म्स ऑफ लेटर इट इज रिटन विद द हेल्प ऑफ दिस कैपिटल सी। ठीक है, नाउ देर इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, ये सबको मालूम है आपको कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, व्हाई अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। इसके पहले आपको मालूम होगा जैसे हम मैग्नेट के बारे में यदि रिकॉल करेंगे तो क्या रिकॉल होगा कि यदि हम एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लाते हैं तो उसमें रिपल्शन आ जाता है, या एक का साउथ पोल और दूसरे का नॉर्थ पोल लाते तो उसमें भी अट्रैक्शन आ जाता है। उसी प्रकार लाइक चार्जेस मतलब दो पॉजिटिव चार्जेस हम लेंगे या फिर दो नेगेटिव चार्जेस रहेंगे तो ये क्या करते हैं, हमेशा आपस को रिपेल करते हैं। जो अनलाइक चार्जेस है मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, दे ऑलवेज अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक है, नाउ हियर वी हैव टू सी द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक करंट, हमारे घर में जो कुछ भी हम इलेक्ट्रिसिटी हम देख रहे हैं कि नहीं, आजकल इलेक्ट्रिसिटी मतलब हमारी बिल्कुल नेसेसिटी बन गई है, यदि इलेक्ट्रिक करंट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, बराबर है कि नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है इसके हम जरा डेफिनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर विच इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट किसके वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि हमने देखा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, बराबर की ये चार्ज जब कंडक्टर में से एक जगह से दूसरी जगह क्या होते जाते हैं हम कहते हैं उसमें से अभी करंट चला गया, बराबर की नहीं। तो स्पेसिफिकली यदि हमको करंट डिफाइन करना है, बराबर है कि नहीं, तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। शॉर्ट में यदि हमको ध्यान में रखना है तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट, रेट मतलब इतने समय में इतने चार्ज गए, बराबर है कि नहीं। जैसा कि हमने कहा कि 5 माइक्रो कूलम चार्ज इज फ्लोन इन 1 सेकंड और 2 सेकंड, बराबर है कि नहीं, एंड देन 10 माइक्रो कूलम चार्ज इज फ्लोन इन 2 सेकंड, बराबर है कि नहीं। तो मतलब पहले 2 सेकंड में 5 गए, दूसरे 2 सेकंड में कितने गए, 10 गए, मतलब यहाँ पे रेट कौन सा रहेगा, 1 होगा 5/2, अनदर होगा 10/2। ये जो 10/2 है ये रेट कैसे रहेगा, ज्यादा मतलब 2 सेकंड में 10 जा रहे हैं, मतलब 1 सेकंड में कितने जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं, और इसमें 2 सेकंड में 5 जा रहे हैं, मतलब 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 2.5 जा रहा है, 2.5 जा रहा है। इसका मतलब रेट कब ज्यादा है, व्हेन द 10 माइक्रो कूलम चार्जेस आर फ्लोइंग इन ए 2 सेकंड, मतलब 5 माइक्रो कूलम चार्जेस आर फ्लोइंग इन ए 1 सेकंड, एंड हियर ओनली 2.5 माइक्रो कूलम चार्जेस आर फ्लोइंग इन ए 1 सेकंड, द रेट इज मोर, बराबर है कि नहीं। दैट इज कॉल्ड द रेट, मतलब जितने चार्ज फास्ट जाएंगे हम कहेंगे उतना करंट ज्यादा रहेगा, एंड दैट इज द मीनिंग, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। अब ये क्रॉस सेक्शन क्या है, ठीक है, यदि हमको क्रॉस सेक्शन समझना है तो हियर वी विल हैव वन डायग्राम हियर, सी दिस इज द कंडक्टर। नाउ द कंडक्टर जो भी वायर होता है ना, द कंडक्टर जनरली सिलेंडर के फॉर्म में होता है, सिलेंडर मालूम है ना, है कि नहीं। तो वायर इज जनरली ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। अब ये जो एरिया है, जो कि एरिया, यदि हमने इसको ऐसा कट किया, क्रॉस ऐसा कट किया, कट करने के बाद हमको ये एरिया मिलेगा, ये जो एरिया कैसा फॉर्म रहेगा इसका, ये सर्कल रहेगा। ये जो एरिया है ना,
तो ये जो एरिया तिरछा छेद नहीं लेना हमको, ऐसा जो कंडक्टर उसका ऐसा बिल्कुल राइट डायरेक्शन में, बराबर कि नहीं, राइट डायरेक्शन में यदि हम उसका सेक्शन लेते हैं देन व्हाट एवर द एरिया इज ऑब्टेंड ना, दैट एरिया इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. Now, hence, the rate of flow of electric charge across a cross-section of a conductor is known as electric current. बराबर कि नहीं? Now, यदि mathematically हमको formula यदि चाहिए, तो हम कहेंगे if charge Q flows across any cross-section of a conductor in time t, then current is I equal to Q by t. जैसे कि कहा, it is rate of flow of electric charge, है कि नहीं? तो t इतने समय में Q इतने चार्ज जा रहे हैं. If charge Q flows across any cross-section area in a conductor in time t, then current I equal to Q by t. Current I equal to Q by t. बराबर है कि नहीं? Therefore, it will be the rate of flow of electric charge t time में Q. तो एक time में कितना? तो करने के लिए हमको t से क्या करना पड़ेगा? Divide करना पड़ेगा. यदि हम यहाँ पे ratio लेते हैं, this Q by t is nothing but it is a ratio. Now it is the rate of flow of electric charge and that is called as the electric current. ठीक है? Now, जैसा कि मैंने कहा, तो whatever the area is shown here, this area is nothing but it is the area of cross section. अभी देखो, area of cross section को ये charge इसमें से cross हो रहे हैं. ये चार्ज कैसे क्रॉस होने चाहिए? ये चार्ज, ये जो एरिया है इसको नॉर्मल होने चाहिए. नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, बराबर है कि नहीं? ऐसे तिरछे नहीं चलेंगे, बराबर है कि नहीं? तो एग्जैक्टली जब भी हमको रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिफाइन करना है, तब हमको ऑलवेज कहना है कि अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन एरिया, कहीं भी नहीं, तो जो अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया, वो कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है, उसका हमने यदि क्रॉस सेक्शन लिया, उस क्रॉस सेक्शन को ये सारे के सारे चार्ज कैसे रहने चाहिए, उसमें जब जाएंगे वो परपेंडिकुलर रहने चाहिए, नॉर्मल रहने चाहिए. और इसीलिए कहते हैं कि अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन दिस चार्ज शुड क्रॉस द दिस क्रॉस सेक्शन एरिया नॉर्मली, दैट इज परपेंडिकुलर टू, देन व्हाट एवर द रेट इज डिफाइंड, दैट रेट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक करंट. ओके, नाउ we have written I equal to Q by T. Therefore, from that, we can write relation Q equal to I into T. होगा कि नहीं? Q equal to I into T. क्योंकि ये बहुत useful relation हमको numerical purpose के लिए काम में आएगा. Now, here we have seen the physical quantity, that is a current. Now, every quantity require a unit. And the SI unit of current is ampere. Again, this is the name of scientist, Andrew Ampere, who gives the concept of electric current. Rather, he defined the unit of a current which is called as the 1 ampere. ठीक है? Now, in terms of a symbol, that is capital A. Therefore, SI unit of electric current is ampere. ठीक है? Now, what is the meaning of 1 ampere? 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second. जैसा कि formula recall करो, I equal to Q by T. बराबर कि नहीं? यदि I मतलब electric current का unit ampere है, तो हमको इसके भी SI unit ढूंढने पड़ेंगे. इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट हमने यदि एम्पियर का, हमको चार्ज का एसआई यूनिट ढूंढना पड़ेगा, इट इज कूलम. और टाइम का एसआई यूनिट क्या है? सेकंड. देयरफॉर इट इज 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, दैट इज 1 कूलम पर सेकंड. देयरफॉर फ्रॉम दिस वी कैन डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर. एक्चुअली 1 एम्पियर की डेफिनेशन अलग है, जो हायर क्लास में हम पढ़ेंगे, जो सर एंड्रयू एम्पियर ने दी है. लेकिन इस केस में इस फार्मूला पर से वी आर नाउ इन पोजिशन टू फाइंड. आपको पूछा कि एक्चुअल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर, तो एक 1 एम्पियर करंट कहने के लिए क्या होना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चार्ज का कितना होना जरूरी है, 1 कूलम. और 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में फ्लो होना चाहिए, 1 सेकंड में. मतलब हम कह सकते हैं कि व्हेन 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन ए 1 सेकंड अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर, इन दैट केस द करंट इज 1 एम्पियर. समझ में? तो 1 एम्पियर इज दैट करंट व्हेन 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन ए 1 सेकंड अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, देन द करंट विल बी 1 एम्पियर. ओके, दरअसल जनरली क्वेश्चन आता है हमेशा कि डिफाइन 1 एम्पियर करंट. तो यदि हमको ये फार्मूला मालूम है, तो हम आसानी से उसको डिफाइन कर, मतलब हमको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर. 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, मतलब इसी को यदि हम वर्ड में पुट करेंगे तो हमको डेफिनेशन मिल जाएगी, है कि नहीं? तो 1 कूलम चार्ज इज फ्लोन इन ए 1 सेकंड, इन दैट पर्टिकुलर केस करंट इज 1 एम्पियर. दैट्स ऑल, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द 1 एम्पियर. नाउ दिस 1 एम्पियर इज एक्चुअली द बिग यूनिट. जनरली अनदर यूनिट्स आर यूज्ड. अदर यूनिट्स ऑफ करंट इज मिली एम्पियर.
current is many times measured in terms of the milliampere. What is the meaning of milliampere? ठीक है, 1 MA, मिले के लिए small m use किया जाता है क्योंकि ये decimal मतलब 10 के power के लिए milli, deca, deci है कि नहीं, these are all the Greek words we are using for this multiple of a 10. Therefore milli, m से जैसा millimeter कहते हैं ना हम, तो वही m है. Therefore milliampere, 1 milliampere that is equal to 10^-3 ampere. 10^-3 मतलब 1/1000, मतलब 1 ampere का 1000 वाय भाग करेंगे तो उसको कहते हैं 1 milliampere. Therefore 1 milliampere symbolically 1 MA that is equal to 10^-3 ampere. Okay. Second is there, that is microampere. Another unit is that is microampere. Symbolically it is mu है, ये जो mu Greek letter है, micro के लिए mu use किया जाता है. 1 microampere that is equal to 10^-6 ampere. ठीक है. Now there is one concept is there. This concept is required because many times numericals occurs on this concept. So first we will see what is the meaning of this quantization of a charge. देखो statement जरा देख लीजिए, पता चल जाएगा. All free charges are integral multiple of a basic unit of charge, that is charge on electron. हम कहेंगे कि हमारे पास कुछ चार्ज है, कोई भी यदि चार्ज है, वो जो चार्ज होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा, all free charges are integral multiple of a basic unit of charge. What is the meaning of integral multiple? सीधी सी बात है कि कोई भी चार्ज होता है, वो चार्ज हमेशा जो इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है ना, उसके मल्टीपल में होता है. ये क्यों होता है मालूम है? इसके लिए हमको और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बॉडी पर जो चार्ज आता है, चार्ज अपने से नहीं आता है, क्योंकि देर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑल्सो, है कि नहीं. हम बोलेंगे कि ना किसी बॉडी पर चार्ज आ गया तो जरूर वो चार्ज एक बॉडी पर से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होता है. ये ट्रांसफर क्यों होता है? एक्चुअली वो रबिंग प्रोसेस है ना हमारा, ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ. उस रबिंग प्रोसेस में क्या होता है पता है आपको? देर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक बॉडी पर से दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं. अब हम जैसे कि कम से कम एक बॉडी पर से दूसरे बॉडी पर कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन. ऐसा हम कभी कह सकेंगे कि देर इज ए ट्रांसफर ऑफ 1.5 इलेक्ट्रॉन? नहीं. 3.5 नहीं. 4.5 इलेक्ट्रॉन गए, 10.5 इलेक्ट्रॉन गए, बराबर कि नहीं. अब इलेक्ट्रॉन के साथ उसका चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है वहां गया. 2 इलेक्ट्रॉन गए तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज. 3 इलेक्ट्रॉन गए तो टोटल चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज. इसी प्रकार n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए तो टोटल चार्ज कितना होगा? n नंबर ऑफ, है कि नहीं. इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसके मल्टीपल में कोई भी चार्ज, जो भी किसी बॉडी पर कोई भी चार्ज है, दैट इज ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ ए चार्ज. And that basic unit of a charge is nothing but that is the charge on electron. Electron पर जो charge होता है ना उसको basic charge कहते हैं, basic unit charge कहते हैं. और सारे charge जितने भी charges हैं, ये सारे charge इस basic charge के multiple में कहते हैं. और इस चीज को, इस बात को, that is known as quantization of electric charge. जैसा कहते हैं कि electric charges are quantized, बराबर की means all the charges are in integral multiple of the basic unit of a charge, that is charge on electron. Now in that regard here we can put this in the form of equation q equal to ne. Now this, what is q? Q is the charge on the body. Q equal to ne, where e is the charge on electron and n is the number of electrons. Barabar hai ki nahi? Therefore if the positive charge is there, then we have to use this equation as q is equal to plus ne. Negative, sometimes this equation may written as like this, q is equal to plus minus ne, hai ki nahi? So given charge kis prakar ka hai? Now this equation itself gives the idea which is known as the quantization of a charge. Any charge is always integral multiple of the basic unit of charge, that is the charge on the electron. तो ये जो कहा हमने E which is the charge on electron, तो उसकी वैल्यू क्या है? That E is equal to 1.6 × 10^-19 कूलोम. ठीक है, दिस इज द वेरी स्टैंडर्ड वैल्यू. बहुत बार न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इसको हमको यूज करना पड़ेगा, इसलिए हमको हमेशा रिमेंबर करना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखो. इट इज 1.6 × 10^-19 कूलोम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? स्मॉल n, हियर द n, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम
वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन बहुत यूजफुल है, इस पर से एक नया इक्वेशन बन सकता है। कौन सा? एन इज इक्वल टू क्यू बाई ये ई, यदि हम इधर जाएंगे लेकर जाएंगे तो मिलेगा एन इज इक्वल टू क्यू बाई, मतलब व्हाट इज द एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हम एक बॉडी पर से कितने दूसरे बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन गए, ये यदि हमको कैलकुलेट करना है तो वी कैन यूटिलाइज दैट रिलेशन। ओके, नाउ टू सी द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वांटाइजेशन हियर वी विल डिस्कस वन एग्जाम्पल। दैट एग्जाम्पल इज दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कूलम ऑफ चार्ज। हमारे पास एक कूलम चार्ज है, एक कूलम चार्ज होने के लिए, बनने के लिए, तैयार होने के लिए कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं ये हमको कैलकुलेट करने, उसके लिए नाउ वी हैव टू यूज दिस कंसेप्ट। अभी क्या क्या दिया हमको, चार्ज कितना दिया है, क्यू इज इक्वल टू वन कूलम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कूलम मतलब हम जो चार्ज दिया है दैट इज वन कूलम। ई हमको दिया नहीं होगा लेकिन फिर भी हमको हमेशा उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। विच फार्मूला वी हैव टू यूज, द बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला वी हैव टू यूज क्यू इज इक्वल टू एन ई, बराबर की नहीं। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर दैट हियर वी हैव टू यूज दिस फार्मूला एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, बराबर की नहीं। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू इक्वल टू वन कूलम एंड व्हाट इज द ई, ई इज 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। ये यूनिट देखो कूलम कूलम निकल जाएगा, मतलब हमारे पास प्योर क्या बचेगा, एक नंबर बचेगा, संख्या बचेगी, क्योंकि ये एन क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट इंटीजर, इंटीजर मतलब नंबर, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1.6 है, ये 1 है, मैंने यहाँ पे पॉइंट देके इसको 10 बनाया, 10 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएंगे इंटू 10^19, बराबर है कि नहीं। अब यहाँ पे हम यदि डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का डिविजन जाएगा इसको, बराबर है कि नहीं, 5 2 और ये 8 2 16, बराबर है कि नहीं। देयर पर इट बिकम्स 5/8 इंटू 10^19, ये 19 कैसे क्या हो गया, ये 10^-19 डिनोमिनेटर में था, ये ऊपर आ गया, इट बिकम 10^19, और 10^19 ये जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करो, इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 0.625, इसे भागाकार करो सिंपली, है कि नहीं, 0.625 इंटू 10^19। इसको यदि हम इस प्रकार लिखते हैं, वाह हाउ 6.25 इंटू 10^18 दिस मच नंबर, ठीक है। नाउ 6.25 इंटू 10^18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म वन कूलम ऑफ चार्ज, मतलब यदि हमको एक कूलम इतना चार्ज तैयार करना है, कॉन्स्टिट्यूट करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं हमको, दिस मच। ये इलेक्ट्रॉन कम नहीं है, ये सब छोड़ो, 6.25, ये देखो 10^18, एक पर 18 जीरोस, है कि नहीं, दिस मच बिग नंबर। तो दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए वन कूलम चार्ज। इन अनदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कूलम, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कूलम, तो इन एक कूलम में दिस मच इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। ओके, नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर ए होमवर्क, now try to note down it. Now whatever the concept we have learned here in today's class, that is the concept of electric charge and electric current, just to understand and just to recall that concept, try to answer the questions which is given in the form of the homework. Okay, now whatever the concept you have learned in today's lesson, accordingly make a note. You refer the different books and write the definitions, relations, and try to make a note so that you can get this concept more in detail. You can understand the concept very well. Okay, with this, we will meet in the next class. Thank you.